बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टोरेज ऑफ सीरियल्स। तो उसमें हमने डिफरेंट जो इंसेक्ट पेस्ट वगैरह वो पढ़े थे, और इसके अलावा जो है जो मॉइस्चर कंटेंट है वो, इसके अलावा जो डिफरेंट जो एक लास्ट स्टेप जो हमारा रहता था चेंजेस ड्यूरिंग स्टोरेज, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट पेस्ट वगैरह हैं वो कैसे खुराक की जो सीरियल जो हमने स्टोर की होती है उनको, उनकी क्वालिटी को डैमेज करते हैं। तो नेक्स्ट जो लास्ट जो है फैक्टर्स फैक्टर स्टोरेज में, उसमें था वो डिफरेंट टाइप की जो चेंजिंग आती है ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो उसमें था केमिकल एंड, इसमें जो हेडिंग है वो केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग स्टोरेज। तो नंबर वन जो स्टेप है वो है जर्मिनेशन। जो नंबर वन जो चेंजिंग आती है जर्मिनेशन आती है। तो जर्मिनेशन क्या आती है, इट इज एक्चुअली द कंट्रोल्ड नॉट विगरसली, यानी कि जर्मिनेशन। तो हाई जर्मिनेशन विद विगरस सीडलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर सीड ग्रेन एंड माल्टिंग द बार्ले। तो जो हाई जर्मिनेशन है वो रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा विगरस सीडलिंग रिक्वायर्ड है। तो यानी कि जो जर्मिनेशन होता है, ये मसलन जर्मिनेशन की जो बात कर रहे हैं वो ये है कि इट इज अ कंट्रोल्ड कंडीशन। तो माल्टिंग का ये एक स्टेप होता है जर्मिनेशन। तो उसमें ये होता है डिफरेंट चेंजेस वगैरह आती हैं प्रोटीन में, स्टार्च ग्रैनुल्स में। तो यानी माइक्रो स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट सीड्स की या सीरियल्स की, तो उसमें जो डिफरेंट चेंजेस आती है उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये एक रिक्वायर्ड प्रोसेस है फॉर द प्रोसेस ऑफ माल्टिंग। माल्टिंग यानी कि जो ये अलग से हम पढ़ेंगे माल्टिंग क्या होता है। तो इसमें डिफरेंट जो है स्टेप्स होते हैं, इसमें मतलब मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज कर देता है, और इसके अलावा जो कर्नल के अंदर जो डिफरेंट फिजियोकेमिकल चेंजेस आती हैं वो, इसके अलावा जो किलनिंग टू ड्राइट यानी किलनिंग का एक प्रोसेस होता है उसमें ड्राइनेस करते हैं। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं तो ये जर्मिनेशन को कवर करते हैं। तो हाई जर्मिनेशन विद विगरस सीडलिंग is important for seed grain and malting barley. तो malting barley या seed grain के लिए जो germination का step है वो important है. For malting the barley should all germinate at the same time and in the shortest time. तो जो malting का जो process है उसमें ये होता है कि जो barley है एक तो उसका जो germination time है, जो control उसमें जो changing आ रही है तो वो same time होने चाहिए। इसके अलावा जो short है मतलब shortest time भी, ये नहीं कि कुछ कुछ चेंजिंग है वो विद इन द वीक आ रही है या विद इन फ्यू डेज आ रही, कुछ अब महीनों लग जाए, नहीं सेम। यानी कि जो टाइम है माल्टिंग के लिए, माल्टिंग के प्रोसेस में जर्मिनेशन का जो टाइम है वो सेम होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। इसके अलावा द जर्मिनेशन ऑफ बार्ले डिक्रीज ड्यूरिंग स्टोरेज एज द मॉइस्चर कंटेंट डेविएट्स अबव आर बिलो 12%। तो जो जर्मिनेशन ऑफ बार्ले है वो मसलन डिक्रीज कर जाएगी ड्यूरिंग स्टोरेज। तो अगर यानी कि उन्हें प्रॉपरली स्टोर किया हुआ है तो जर्मिनेशन जो बार्ले है वो स्टॉप हो जाएगी, क्यों स्टॉप हो जाएगी, एज द मॉइस्चर कंटेंट डेविएट्स, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो डेविएट कर जाएगा अबव और बिलो 12%। तो 12 से यह बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो इससे ये होगा कि जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। जर्मिनेशन इज ऑल्सो ग्रेटली अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स और इंसेक्ट्स एंड माइट डैमेज। तो जो जर्मिनेशन का जो स्टेप है ये, इट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट मोल्ड्स। तो डिफरेंट टाइप्स के जो मोल्ड वगैरह हैं या जो फंगस वगैरह है वो अटैक कर सकती है, या जो इंसेक्ट डैमेज माइट्स वगैरह जो है, ये मसलन डिफरेंट जो रोडेंट्स इंसेक्ट वगैरह वो भी अगर जो सीड है उसे इंफेस्टेड करेंगे या जो उसे डिटेरिएट करेंगे तो जो जर्मिनेशन का स्टेप है वो कम हो जाएगा, उसकी ग्रोथ वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है फैड एसिडिटी एंड अडर फॉर्मेशन। फैड एसिडिटी बेसिकली इट इज अ टेस्ट विच इज यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ द डिफरेंट सीरियल्स ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो डिफरेंट जो सीरियल हैं उनकी जो स्टोरेज स्टडीज की जाती हैं, तो उसमें जो एक पैरामीटर है वो फैड एसिडिटी का भी होता है। तो उसमें फैड एसिडिटी में यानी कि जो क्वालिटी होती है डिफरेंट सीरियल्स की ड्यूरिंग द स्टोरेज, उसे हम मेजर करते हैं। Fat acidity increase with the storage time and growth of molds and insect in the grain.
जो फैट एसिडिटी है वो इंक्रीज कर जाती है ड्यूरिंग द स्टोरेज टाइम, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम फैट एसिडिटी माइट बी इंक्रीज एंड ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड इंसेक्ट इन द ग्रेन। तो इसके अलावा स्टोरेज टाइम के अलावा जो यानी कि मसलन अगर हम मोल्ड वगैरह उस पर ग्रोथ कर गए हैं या जो इंसेक्ट वगैरह जो हैं वो डैमेज कर रहे हैं, वो इंसेक्ट वगैरह यानी कि जो ग्रेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं वो भी हैं, जो यानी बाहर से सिर्फ खा लेते हैं जो ग्रेन वगैरह वो भी हैं, दोनों तरह के यानी कि जो इंसेक्ट हैं। तो उससे ये होगा कि फैट एसिडिटी है वो इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज फैट एसिडिटी रिड्यूस द मिलिंग एंड बेकिंग क्वालिटी ऑफ। तो अगर मसलन जो ग्रेन्स हैं जो मसलन हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए यूज करेंगे या उसकी जो मिलिंग है मसलन जो उसका मसलन साइज रिडक्शन करके हम फ्लोर वगैरह लेते हैं या जो फ्लोर है उसे फर्दर यूज करेंगे फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, तो बेकिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट, तो ये सारी चीजें जो है फैट एसिडिटी की वजह से रिड्यूस होंगी, इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होंगी। अडर्स प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड्स इंसेक्ट्स एंड माइट्स कैन बी कैरिड इनटू द फिनिश्ड फूड प्रोडक्ट्स। तो जो अडर्स हैं डिफरेंट टाइप के मसलन जो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप रेसिडिटी की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की ऑफ फ्लेवर अडर्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो फूड की जो क्वालिटी है उसे खराब करते हैं, आसान हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे फैट एसिडिटी के रिलेटेड, तो अडर्स प्रोड्यूस बाय मोल्ड्स इंसेक्ट्स एंड माइट्स कैन बी कैरिड इनटू फिनिश्ड फूड प्रोडक्ट्स। तो जो डिफरेंट जो हमारी फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप की अडर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर जो मोल्ड इंसेक्ट्स या माइट्स जो हैं वो उससे जो हमारे ग्रेन्स हैं जो सीरियल्स हैं वो इन्फेक्टेड होंगे,
डिफरेंट टाइप के जो अडर्स हैं वो भी प्रोड्यूस होंगे विद इन द प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो थर्ड है इसमें केमिकल चेंजेस में, तो उसमें ग्लूटेन कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट एंड ग्लूटेन क्वालिटी, यानी कि प्रोटीन की जो ओवरऑल क्वांटिटी है या जो ग्लूटेन की क्वालिटी है वो इट रिमेंस कांस्टेंट, तो वो तकरीबन कांस्टेंट रहती है यार, इंक्रीज स्लाइटली ड्यूरिंग प्रॉपर स्टोरेज, तो या फिर थोड़ा बहुत जो है वो इंक्रीज हो जाता है उसका ग्लूटेन कंटेंट में अगर यानी स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर है, यानी प्रॉपरली पैक्ड चीजें हैं, सीरियल ग्रेन्स हैं, उसे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वगैरह प्रॉपर है, उधर जो स्टोरेज रूम्स हैं, और इसके अलावा जो इंसेक्ट पेस्ट वगैरह हैं वो अटैक नहीं कर सकते, जो प्रॉपर दीवारें वगैरह हैं वो सील है, कोई सुराख वगैरह नहीं है, या जहाँ से कोई एंट्री एग्जिट नहीं है, मसलन जो डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट वगैरह इजीली उस जगह वो अप्रोच कर सके, तो जो ये होती हैं यानी गुड स्टोरेज कंडीशंस या प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन। नेक्स्ट है लार्ज रिडक्शन इन प्रोटीन कंटेंट और ग्लूटेन क्वालिटी कॉज बाय मोल्ड ग्रोथ विल नॉर्मली प्रीसीडेड बाय ऑफ फ्लेवर अडर्स, तो जो प्रोटीन कंटेंट में जो लार्ज रिडक्शन होती है या जो प्रोटीन कंटेंट है वो मिनिमाइज हो जाता है काफी हद तक, या ग्लूटेन क्वालिटी जो है वो अफेक्टेड होती है बाय मोल्ड ग्रोथ, यानी अगर मोल्ड ग्रोथ कर जाएगा तो वो डेफिनेटली जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करेगा, और इसके अलावा जो ग्लूटेन कंटेंट है उसका कंटेंट भी डेफिनेटली डिक्रीज करेगा, तो इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो फ्लेवर्स अडर्स वगैरह हैं वो प्रोड्यूस होंगे विद इन द सीरियल, या जो फिनिश प्रोडक्ट्स में जब हम उसे यूज करेंगे बेक प्रोडक्ट्स में तो वो फिर जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं हमें मिलेगा। नेक्स्ट है न्यूट्रिटिव चेंजेस, तो डिफरेंट टाइप की जो है न्यूट्रिटिव चेंजेस भी आ जाती हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग स्टोरेज ऑफ सीरियल्स में, तो आप लोगों को पता है डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सीरियल ग्रेन से हमें मिलते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कंटेंट चेंज लिटल इफ द ग्रेन इज स्टोर्ड अंडर ड्राई कूल कंडीशन, तो अगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और जो प्रोटीन कंटेंट है उसमें थोड़ी बहुत चेंज आ जाएगी अगर जो ग्रेन है उन्हें हमें ड्राई कंडीशन में कूल कंडीशन में, यानी फ्लक्चुएट करता है विद द पैसेज ऑफ स्टोरेज, तो थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है वो न्यूट्रिशन कंटेंट में आ जाती है, वैरायटी में भी चेंजेस हो जाती हैं, मसलन कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स कंटेंट फ्लक्चुएट कर रहा होगा वैल्यूज, तो विटामिन कंटेंट अपेयर्स टू बी अनचेंज इन द स्टोरेज, तो जो विटामिन कंटेंट है वो अनचेंज रहता है ड्यूरिंग द स्टोरेज एक्सेप्ट ऑफ विटामिन ए, तो जो विटामिन ए है उसकी एक कंसेंट्रेशन जो है वो या जो उसका जो कंटेंट है वो फ्लक्चुएट करता है इन येलो कॉर्न, तो अगर येलो सारे सीरियल ग्रेन्स की बात नहीं कर रहे, तो विटामिन ए कंटेंट इन येलो कॉर्न वो फ्लक्चुएट करता है विच कैन डिक्रीज एज मच एज 70% ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ स्टोरेज, तो अगर यानी कॉर्न को हमने 1 साल के लिए स्टोर किया हुआ है तो उसमें जो विटामिन ए का कंटेंट है येलो कॉर्न में तो वो 70% तक गिर जाएगा या 70% तक उसमें कमी आ जाएगी, तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो थी फिजियोकेमिकल चेंजेस, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग स्टोरेज, तो ये आज हमने पढ़ ली है, ये यहाँ तक आप लोगों का मेटर। नेक्स्ट जो हम ये मिलिंग स्टार्ट करेंगे तो ये आप लोगों का फाइनल पोर्शन होगा। मिलिंग, द टर्म मिलिंग कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोसेसेस, तो जो मिलिंग का जो प्रोसेस है या जो मिलिंग की जो टर्म है उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो स्टेप्स हैं प्रोसेसिंग के वो सारी चीजें जो कवर करते हैं, तो उसे हम ओवरऑल मिलिंग कहते हैं, तो इन जनरल दे आर मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग होल ग्रेन्स इन द फॉर्म सूटेबल फॉर कंजम्पशन और कन्वर्जन इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, तो जो इन जनरली अगर बात की जाए तो ये जो मिलिंग है ये मेथड है या तरीके हैं जिससे हम ट्रांसफॉर्मिंग होल ग्रेन्स यानी कि उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, तो वन फॉर्म क्या है होल ग्रेन्स, तो उसे हम अदर फॉर्म किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोर में कर रहे हैं ताकि उसे हम डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बना सकें, तो इन जनरल दे आर द मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग होल ग्रेन्स इनटू फॉर्म सूटेबल फॉर कंजम्पशन, तो अब होल ग्रेन्स को तो सबको तो नहीं हम चबा सकते, फॉर एग्जाम्पल कॉर्न को हम ऐसा जो यानी कि उसकी ये पॉपकॉर्न वगैरह बना लेते हैं, या जो अदर प्रोडक्ट्स हैं मसलन जो ये पठान वगैरह जो है ये सेल आउट करते हैं जो कॉर्न, तो इसके अलावा मसलन जो है मोस्टली जो कंज्यूम की जाती है वो प्रोसेस फॉर्म में की जाती है, यानी कि उसे सूटेबल फॉर्म फॉर द कंजप्शन, तो सूटेबल फॉर द कंजप्शन क्या है आटा फ्लोर,
नेक्स्ट है मिली स्कीम आर कन्वीनियंटली क्लासिफाइड एज। तो जो मिलिंग स्कीम है बेसिकली जो मिलिंग है वो दो किस्म की होती है, एक वेट मिलिंग होती है एक ड्राई मिलिंग होती है। जो ड्राई मिलिंग होती है उसमें ऐसा जो वाटर यूज नहीं होता, जबकि वेट मिलिंग है उसमें वाटर काफी हद तक यूज होता है। ड्राई मिलिंग के व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्राई मिलिंग। नंबर वन ऑब्जेक्टिव इज सेपरेशन ऑफ ब्रैन एंड जर्म फ्रॉम द एंडोस्पर्म। तो आप लोगों ने को पता है कि जो डिफरेंट जो ग्रेन होते हैं उसमें तीन पोर्शन होते हैं, ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म। तो सेपरेशन ऑफ ब्रैन एंड जर्म फ्रॉम एंडोस्पर्म, तो ये ड्राई मिलिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो यानी एंडोस्पर्म जो पोर्शन है वो अलग हो जाएगा फ्रॉम ब्रैन एंड जर्म, या सेपरेशन ऑफ ब्रैन एंड जर्म फ्रॉम एंडोस्पर्म। नेक्स्ट रिडक्शन इन द पार्टिकल साइज ऑफ द एंडोस्पर्म। तो जो पार्टिकल साइज होगा वो एंडोस्पर्म यानी मसलन होल होगा तो उसे हम रिड्यूस कर देंगे फाइन पार्टिकल्स में, तो यानी पार्टिकल साइज डिक्रीज कर गया, तो इसलिए होगा रिडक्शन इन द पार्टिकल साइज ऑफ द एंडोस्पर्म। तो जो यानी फ्लोर की फॉर्म में हमें मिलता है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हैं, नंबर वन ऑब्जेक्टिव ड्राई मीनिंग क्या है, सेपरेशन ऑफ ब्रैन एंड जर्म फ्रॉम एंडोस्पर्म, एंड सेकेंड इज द रिडक्शन इन द पार्टिकल साइज ऑफ द एंडोस्पर्म। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं ड्राई मिलिंग के। नेक्स्ट है वेट मिलिंग बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ ग्रेन और कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो वेट मिलिंग है ये बेस करती है किस चीज पे, सेपरेशन ऑफ ग्रेन और कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो कौन सा ग्रेन है जिसकी हम वेट मिलिंग कर ली, इन मोस्ट ऑफ द केसेस कॉर्न की जो है वो वेट मिलिंग की जाती है। तो इसमें ये है कि जो उसके कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उसको अलग कर लिया जाता है। तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन आर द कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन सी चीजें हैं, प्रोटीन हैं, स्टार्च हैं, लिपिड्स हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये वेट मिलिंग के थ्रू हम अलग अलग पोर्शन में उसे सेपरेट ऑफ कर लेते हैं, जबकि जो ड्राई मिलिंग में था वो सेपरेशन ऑफ ब्रैन एंड जर्म फ्रॉम एंडोस्पर्म। तो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन किस जगह है, एप्लीकेशन इन केस ऑफ कॉर्न। तो यानी कॉर्न जो है उसकी वेट मिलिंग की जाती है, तो उसमें जो डिफरेंट जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या जो डिफरेंट कंपोजिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसे हम अलग कर लेते हैं, लाइक प्रोटीन, स्टार्च एंड लिपिड्स। नेक्स्ट है वीट मिलिंग। तो जो हमारा मेन फोकस है वो है वीट मिलिंग का। तो जो वेट मिलिंग है वो कॉर्न की मिलिंग है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट जो जितनी भी स्लाइड्स हैं तो ये वीट मिलिंग के रिलेटेड है। इट इज कैरीड आउट बाय ड्राई मिलिंग। तो जो वीट है उसकी मसल मिलिंग हम करते हैं वो ड्राई उसे हम ड्राई मिलिंग करते हैं। तो जो ये हम मसल घरों में जो आटा पसवाते हैं मसल जो ग्रेन वगैरह देख जाते हैं, तो वो ऐसा चीज उसमें ग्रेन को वो जो मशीन है उसमें डालता है और नीचे से वो विद द स्पेसिफिक टाइम यानी वो फिर निकाल देता है कि अब इसकी ग्राइंडिंग हो गई है। जो ये मसल इट इज अ फॉर्म विच इज सुटेबल फॉर द कंजप्शन, वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जबकि जो मिल्स हैं उसमें मसल घरों में तो हम ये है कि जो गंदम स्टोर की होती है उसे मसल साफ वगैरह करके उसे अच्छी तरह वॉश करके फिर उसे खुश करके स्टोर करते हैं। तो जो मिलिंग है उसमें वो एस एच फ्रॉम फील्ड या जहाँ से उन्होंने वो परचेज की होती है तो उधर से वो ऐसा जो बैग्स की फॉर्म में आ जाती हैं। तो उसमें ये होता है कि डिफरेंट कंडीशन यानी कि जो डिफरेंट इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं वो भी उसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा जो जो मिलिंग का प्रोसेस है वो यानी कि एक टेम्परेचर बहुत हाई लेवल होता है, तो उससे ये होता है कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको बर्न आउट होने का खतरा होता है। मिसल फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग यानी कि घरों में भी अगर आटा बाय वो चक्कियों से ले पसवा के लाते हैं या चक्कियों से परचेज कर लेते हैं तो समटाइम वो गर्म होता है। तो इसीलिए गर्म होता है कि अब मिसल वो जो है मशीनें जो छोटे लेवल पे हैं तो वहाँ का आटा गर्म है, तो जो बड़े लेवल पे होगा वहाँ यानी ज्यादा जो रोलर्स मिल्स हैं वो यानी रोलर्स यूज हो रहे हैं, तो उससे ये होगा कि जो प्रोडक्ट है वो गर्म होगा। तो टेम्परिंग एंड कंडीशनिंग, ये टेम्परिंग मसलन एडिशन ऑफ वाटर होता है। तो कई मसलन जो वीट्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, तो उन्हें यानी टेम्पर करने के लिए टेम्पर में यानी उसकी कंडीशन को चेंज करने के लिए तो एडिशन ऑफ वाटर को से हम टेम्परिंग कहते हैं। तो सॉफ्ट के लिए ये अलग क्राइटेरिया होता है और हार्ड वीट के लिए ये अलग क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट है कंडीशनिंग। तो ये इसमें भी डिफरेंट टाइप की कंडीशनिंग आ जाती है, थर्मल कंडीशनिंग, वैक्यूम कंडीशनिंग। तो ये टेम्परेचर की एक रिक्वायरमेंट है, तो ये भी वीट मिलिंग में आती है। रोलर मिलिंग यानी कि जो हम होल ग्रेन यूज कर रहे हैं तो उसे रोलर मिलिंग में उसे यानी
ये इसके थ्रू हम जो है वो इसे फाइन पार्टिकल्स या कंजप्शन विच इज सुटेबल फॉर द कंजप्शन, तो रोलर मिलिंग के थ्रू हम इसे आटे में कन्वर्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट है फ्लो ट्रीटमेंट। तो फ्लो ट्रीटमेंट में यानी कि कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स यूज होते हैं या कुछ मेचोरिंग एजेंट्स यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फ्लो, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स वगैरह मौजूद हो सकते हैं, तो उसके लिए ब्लीचिंग वगैरह की जाती है या फिर उसके मेचोरिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसी स्लाइड में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो नंबर वन जो है क्लीनिंग। क्लीनिंग आप लोग जानते हैं, क्लीनिंग यानी कि डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज वगैरह मौजूद होती हैं, तो जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो जरूरी है। तो उससे ये होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट होगी वो अच्छी बनेगी और वो इट इज हेल्थियर एंड न्यूट्रिशियस। अगर इम्प्योरिटीज वगैरह ऐसा उसमें रह जाएंगी, मसलन डस्ट, ब्लड, सीड्स वगैरह या और तरह की जो इम्प्योरिटीज हैं, तो फिर वो जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को डैमेज करेंगी, हमारी जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को असर करेंगी। तो ये लेट्स बी वीट अराइविंग इन मिल्क कंटेन फॉरन मैटर। तो फॉरन मैटर आप लोगों को पता है डिफरेंट टाइप्स की जो फॉरन मैटर जो है वो मौजूद होता है, वीट, सीड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेन्स, इसके अलावा जो है डस्ट, डर्ट वगैरह, और इसके अलावा जो फेरिक मैटर वगैरह, जो डिफरेंट जो इम्प्योरिटीज हैं, तो ये सारी चीजें जो है वीट में मौजूद होती हैं। इट इंक्लूड्स डस्ट, डर्ट, सीड्स ऑफ अदर क्रॉप, स्ट्रॉज एंड पीसीज ऑफ मेटल्स। तो डिफरेंट टाइप्स की जो है इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं, लाइक डस्ट, डर्ट, सीड्स ऑफ अदर क्रॉप्स, स्ट्रॉ, जो तिनके वगैरह जो होते हैं, जो पंजाबी में जिसे तीले कहते हैं, एंड पीसीज ऑफ मेटल्स। तो डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स भी मौजूद हो सकती हैं। दीज इम्प्योरिटीज डिक्रीज मिलिंग एफिशिएंसी। तो अगर ये इस तरह की इम्प्योरिटीज ऐसा हम प्रोसेस कर देंगे तो ये मिलिंग एफिशिएंसी को मुतासर करेंगे, यानी कि जो मिलिंग का प्रोसेस है वो अफेक्ट करेगा, प्रोडक्ट भी अच्छी नहीं बनेगी और जो हमारी जो मशीन है वो उनकी एफिशिएंसी भी मुतासर होगी। तो क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द मिलिंग एफिशिएंसी। तो क्लीनिंग क्यों जरूरी है? ताकि जो मिलिंग एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग व्हीट इम्प्योरिटीज। तो डिफरेंट टाइप्स की जो इम्प्योरिटीज मौजूद है उनको रिमूव करने के लिए जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है मशीन्स या जो पिगमेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। तो क्लीनिंग मेथड्स बेस्ड अपॉन डिफरेंट प्रिंसिपल्स। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की जो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो पिगमेंट्स हैं वो हम यूज कर रहे हैं। इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। तो जो ये इम्प्योरिटीज हैं वो उनको हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम उसे रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि जो मेटल्स वगैरह होंगी वो मेटल मैग्नेटिक मैग्नेट के थ्रू यानी रिमूव हो जाएंगी। मतलब जो फेरस जो लोहे की बनी हुई इम्प्योरिटीज होंगी। इसके अलावा साइज एंड डायमेंशन, तो जो कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होंगी वो साइज के या डायमेंशन की बेस पे हो जाएंगी रिमूव। कुछ ऐसी होंगी जो शेप की बेस पे हो जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बेस पे हो जाएंगी, कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जो बिहेवियर इन एयर करंट की मौजूदगी यानी की वजह से हो जाएंगी, कुछ ऐसी हैं जो सरफेस फ्रिक्शन की वजह से हो जाएंगी, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज की वजह से हो जाएंगी, कुछ कलर डिफरेंसेस की वजह से हो जाएंगी। तो जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली यानी लगी होती हैं। तो डिफरेंट मसलन जो कलर डिफरेंसेस हैं तो उसमें वो सॉफ्टवेयर के थ्रू यानी कि मसलन रिजेक्शन लिमिट दे देते हैं कि इस कलर की जो प्रोडक्ट है उसको आपने रिजेक्ट कर देना, फर्दर प्रोसेस नहीं करना। तो ये डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए भी हो सकते हैं, ग्रेन्स के लिए भी हो सकते हैं। तो इसके अलावा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं। इक्विपमेंट्स यूज फॉर क्लीनिंग। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है इक्विपमेंट्स हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स की जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करने के लिए होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो इक्विपमेंट्स हैं वो ये नेक्स्ट स्लाइड्स में है मौजूद। नंबर वन जो है इसमें ना है मैग्नेटिक सेपरेटर। तो जो मैग्नेटिक सेपरेटर है उसका क्या फंक्शन होता है? द वीड फर्स्ट पासिस बाय मैग्नेट दैट रिमूव्स आयरन एंड स्टील पार्टिकल्स। तो जो डिफरेंट टाइप्स की जो आयरन या स्टील पार्टिकल्स मौजूद होंगे डिफरेंट इम्प्योरिटीज की फॉर्म में इन द वीड, तो वो जो मैग्नेटिक सेपरेटर है तो उसे रिमूव कर देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है वाइब्रेटिंग स्क्रीन या सेपरेटर। तो इसमें वाइब्रेटिंग स्क्रीन रिमूव्स बिट्स ऑफ वुड एंड स्ट्रॉ एंड ऑलमोस्ट एनीथिंग टू बिग एंड टू स्मॉल टू बी।
तो यानी कि वाइब्रेटिंग स्क्रीन का क्या फंक्शन है, कि रिमूव्स और पिट्स ऑफ वुड, तो छोटी छोटी जो तिनके वगैरह हैं या स्ट्रॉज वगैरह जो हैं तो उनको रिमूव करने के लिए, या जो ऐसी चीज जो कि ग्रेन से बड़ी है या ग्रेन से छोटी है, वीट ग्रेन से बड़ी है या छोटी है, तो उन सबको रिमूव करने के लिए जो है वाइब्रेटिंग स्क्रीन यूज की जाती है। नेक्स्ट है एस्पायरेटर। तो जो एस्पायरेटर है, एयर करंट्स एक्ट एज ए काइंड ऑफ वैक्यूम टू रिमूव डस्ट एंड लाइट इंप्योरिटीज। तो इसमें जो एस्पायरेटर है उसमें एयर करंट यूज किया जाता है एज ए काइंड ऑफ वैक्यूम टू रिमूव डस्ट एंड लाइटर इम्प्योरिटीज। तो डस्ट वगैरह या जो लाइटर इम्प्योरिटीज होती है जो वीट ग्रेन से हल्की होती है, तो उनको रिमूव करने के लिए एस्पायरेटर यूज करते हैं। डीस्टोनर, जैसे कि नाम से जाहिर है, यूजिंग ग्रेविटी द मशीन सेपरेट्स द हैवी मटेरियल फ्रॉम द लाइट टू रिमूव स्टोन्स दैट मे बी द सेम साइज एज ए वीट कर्नल। तो ये ग्रेविटी को यानी कि एज ए बेस यूज करते हुए डीस्टोनर मशीन जो होती हैवी मटेरियल्स फ्रॉम द लाइट टू रिमूव स्टोन्स। तो डिफरेंट टाइप के जो स्टोन्स होते हैं, जो माइट भी जो वीट कर्नल है उनके साइज के हों, तो उन सबको रिमूव करने के लिए जो डीस्टोनर यूज किया जाता है। यूजिंग ग्रेविटी द मशीन सेपरेट्स द हैवी मटेरियल फ्रॉम द लाइट टू रिमूव स्टोन्स दैट मे बी द सेम साइज एज द वीट कर्नल्स। नेक्स्ट है एंटोलेटर। एंटोलेटर एक मशीन होती है जो कि डिफरेंट मसलन जो इंसेक्ट्स वगैरह के एग्स वगैरह मौजूद हो सकते हैं ग्रेन्स में, या जो इन्फेस्टेड ग्रेन्स होती हैं उन्हें वो तोड़ देती है, तो वो फिर रिमूव हो जाती है। तो इसकी जो स्पीड होती है इट रिवॉल्व्स एट 800 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये इसकी जो स्पीड होती है, आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मीटर, यानी कितनी 1 मिनट में कितने चक्कर लगा लेती है, 800 चक्कर लगा लेती है। तो इट ब्रेक इन्फेस्टेड ग्रेन्स, तो ये जो भी इन्फेस्टेड ग्रेन्स वगैरह इम्प्योरिटीज की फॉर्म में मौजूद होंगे हमारे जो होल ग्रेन्स में, तो उसे तोड़ देगी, प्लस जो एग्ज ऑफ इंसेक्ट है उनको भी रिमूव कर देगी, जो एंटोलेटर का फंक्शन। नेक्स्ट है डिस्क सेपरेटर। द वीट पासिस थ्रू ए सेपरेटर दैट आइडेंटिफाई द साइज ऑफ कर्नल इवन मोर क्लोजली। तो जो यानी कि साइज ऑफ कर्नल है तो उसे यानी कि मोर क्लोजली जो व्यू करने के लिए इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसे डिस्क सेपरेटर कहते हैं। इट रिजेक्ट्स एनीथिंग लॉन्गर शॉर्टर एंड मोर रॉन्ग। तो ये जो भी यानी कि मसलन ग्रेन के लिहाज से बड़ी है कोई चीज, इम्प्योरिटी छोटी है बड़ी है या रॉन्ग फॉर्म में है, तो ये डिस्क सेपरेटर उसे रिमूव कर देगा। नेक्स्ट है स्कोरर। तो इसका क्या फंक्शन है, स्कोरर रिमूव्स आउटर हस क्रीज डर्ट एंड एनी स्मॉलर इम्प्योरिटीज विद एन इंटेंस स्कोरिंग एक्शन। तो करंट ऑफ एयर पुल ऑल लूजन मटेरियल अवे। तो जो स्कोरर है वो हस्क वगैरह जो यानी कि कवरिंग मटेरियल जो जिसे हम कैरियोसिस कहते हैं, या आउटर लेयर जो होती हैं जिसमें यानी कि जो हमारा ग्रेन होता है वो पैक होता है, हस्क उसे कहते हैं। इसके अलावा डर्ट वगैरह, क्रीज डर्ट या जो स्मॉल इम्प्योरिटीज होती हैं वो स्कोरिंग एक्शन से निकाल देता है। तो इसमें ये होता है करंट्स ऑफ एयर जो हवा का प्रेशर होता है वो लूजन मटीरियल को फेंक देता है। नेक्स्ट है कलर सॉर्टर। तो कलर सॉर्टर का क्या फंक्शन है, कलर सॉर्टिंग ऑफ सीड इज कॉमन प्रैक्टिस इन राइस मिलिंग इंडस्ट्री। तो जो कलर मसल में ब्राउन राइस भी होते हैं और व्हाइट राइस भी होते हैं, तो जो ब्राउन राइस होती है उसे को रिमूव करने के लिए जो है वो कलर सॉर्टर वगैरह यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ये व्हीट मिल है इसमें भी कलर सॉर्टर यूज कर सकते हैं। तो कलर सॉर्टर का ये होता है कि मसल कोई एक स्पेसिफिक पैरामीटर जो आप कलर आप देते हैं, मशीन सिर्फ वही ग्रेन को सिलेक्ट करती है फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग, जो उसे हल्के होते हैं कलर में या जो जो डैमेज होता है जिनका कलर, तो वो फिर रिमूव हो जाते हैं। सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क ऑफ ग्रेन बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर कलर। तो यानी कि वो सीड अब इतने हजारों लाखों मेट्रिक टन में यानी कि इतनी यानी कि बल्क क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, तो उसमें फिर कलर की बेस पे उसे हम डिफरेंट जो जो रिजेक्टेड जो है ग्रेन उसको फिर रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आर यूज फॉर दिस पर्पज। तो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी यानी यूज किए जाते हैं कलर सॉर्टर के अलावा। सेंसर यानी वो चीज यानी वो चीज मसला उसमें एक चीज की कमांड भी दी जाती है, तो फिर वो सेंस करती है कि ये चीज पास आउट करनी है और ये चीज रिजेक्ट करनी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। सेपरेशन इज अचीव्ड बाय चार्जिंग पार्टिकल्स एंड प्लेसिंग देम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं या जो सेपरेशन में मसलन डिफरेंट ग्रेन्स के साथ जो इम्प्योरिटीज आ रही हैं, तो उन्हें सबसे पहले चार्ज किया जाता है एंड प्लेसिंग देम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कॉल्ड मैकेनिकल मूवमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन प्रोसेस। तो उसमें जो भी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो है अप्लाई अप्लाई होंगी, तो मैकेनिकल मूवमेंट के थ्रू जो है सेपरेशन का प्रोसेस है वो डन किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो ये टेम्परिंग और कंडीशन है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो हम बीट वगैरह की मिलिंग करवाते हैं लोकल एरिया में कह लें जैसे कि चक्की वगैरह से, वहाँ पे तो आपने बताया कि ब्रांड वगैरह मिक्स हो जाता है, ये ड्राई मिलिंग में कैसे सेपरेट करते हैं क्योंकि मिलिंग कर लेंगे तो वो भी मिक्स नहीं हो जाएगा साथ, क्या करेंगे मतलब बीट की जो मिलिंग आप करेंगे उच्चा तो करें तो? हाँ जी ब्रांड ब्रांड, वगैरह उसके साथ मिक्स हाँ जी मिक्सअप, मिक्स नहीं हो जाएगा मिलिंग के हाँ जी। साथ। तो चक्कियों में यानी जो ब्राउन कलर का आटा होता है वो ब्रांड जर्म वगैरह सारा चीजें मिक्स ही होती है, वो ऐसा चीज हमें दे तो वो हम सारी खा लेते हैं। वो सुपीरियर क्वालिटी होती है एज कम्पेयर और टू तो जो मिल्स में वाइट फ्लोर जो हमें मिलता है बैग्स की फॉर्म में मार्केट में, तो वो इनफीरियर क्वालिटी होती है। होता तो वो व्हाइट कलर का, कई लोग प्रेफर करते हैं व्हाइट कलर को, यानी बच्चे नहीं खाते, तो हालांकि जो ब्राउन है वो सुपीरियर क्वालिटी का। और ओके सर, किसी और बच्चे का भी क्वेश्चन? वो आप लोगों के मैंने टेक्स्ट किया था कि जो आप लोगों की क्यू सी रेटिंग है या जो रैंकिंग है जो भी यानी आप लोग समझे वो आप लोग ताकि जो वर्ल्ड लिस्ट में यानी जो शो अप हो जाए, तो इसलिए आप लोग रेटिंग या रैंकिंग जो भी है वो अपडेट कर दें। जी बेटा किसी और का भी क्वेश्चन? सर क्यूसी तो वैसे एंड पे नहीं करते उसके, हम तो वैसे आप करते हैं ना स्टार्ट फिर से कर रहे थे, मतलब फाइनल्स के पास कर रहे होते थे। नहीं, आप लोग अभी कर देना ताकि वो बाद में अटेंडेंस लेना मुश्किल हो। जी सर ठीक है। तो इसके अलावा ये मिड पोर्शन है यानी कि इसमें अगर आप लोग इतराज होगा वो फिर मुझे बता दीजिएगा। यानी कि मिड पोर्शन 170 तक है, जी वन सर ठीक है। सेवेंटी स्लाइड्स वो है ये मिड पोर्शन, ताकि ये जो मसलन एक जैसी चीजें है ना ये लोगों को कंफ्यूज करेंगी लिखने में। तो ये मोस्टली ये चांसेस यही है कि एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, तो आप लोग यानी कि जो मैंने स्लाइड में जो चीजें मौजूद हैं वही चीज पूछूंगा मैं। ये नहीं कि आप लोगों को कुछ और पढ़ाया और मैं पेपर में कुछ और पूछूंगा, जो आप लोगों को पढ़ाया है जो स्लाइड में मौजूद है इसी में से पेपर होगा, कोई एक एक नंबर का भी पॉइंट बाय से नहीं होगा। जी सर ठीक है। तो आप लोग यानी 170 स्लाइड्स हैं तो ये इतनी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मसलन के जी पढ़ने के सर लिए ऐसे मसलन इतना मटेरियल नहीं है कि मसलन फुल फुल बुक उस पे छपी हुई है, हर चीज का थोड़ा थोड़ा एक दो एक एक दो दो लाइन का इंट्रोडक्शन है। तो वो लोग आप अच्छी तरह इंशाल्लाह करेंगे आई होप। जी सर इंशाल्लाह। हाँ जी किसी और बच्चे? सर ना हम जो जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह कौन सा यूज करते हैं इसकी क्वालिटी चेकिंग के लिए सीरियल्स की? क्वालिटी चेकिंग के लिए आप लोगों को बताया तो था ये जो मसलन जो ग्लूटन वाले जो हमने पढ़े थे ये सारी क्वालिटी है, जो ये फ्रीनोग्राफ एक्सटेंसोग्राफ एल्वियोग्राफ ये यानी फ्लोर को मसलन सबसे पहले ग्राइंड करके 10 ग्राम या 5 ग्राम फ्लोर होता है तो उसे रन करते हैं थ्रू डिफरेंट मशीन जो एक्सटेंसोग्राफ एल्वियोग्राफ, तो उससे ये होता है कि वीट की जो क्वालिटी है उसका पता लग जाता है। मॉइस्चर ठीक कंटेंट है सर। जो वैसे मालूम कर लेते हैं, ऐश कंटेंट भी वैसे आप लोगों को पता कैसे मालूम कर लेते हैं, तो इस तरह यानी डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं हर हर एक चीज वो चेकआउट हो जाती है। फॉलिंग जी नंबर सर एक होता है उससे अल्फा माइलेज एक्टिविटी भी मेजर होती है, डैमेज कर्नल वगैरह भी मेजर हो जाते हैं, और इसके अलावा जो कर्नल वेट टेस्ट वेट बताया था वो भी सारी वीट क्वालिटी हर चीज यानी कि जितने पैरामीटर का जिस लिहाज से कोई कोई करना चाहता है वो उस लिहाज से करना। ओके सर। ठीक है बेटा, हाफिज। जी सर, अल्लाह हाफिज सर।